अस्सलाम वालेकुम आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन आई एम योर टीचर आमना मात एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर रीडिंग अबाउट चैप्टर टेन दैट इज़ हीट एंड टेम्परेचर आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं डेट इज़ लेक्चर सिक्स अबाउट मोड्स ऑफ हीट फ्लो दैट इज़ कंडक्शन हमने डिफरेंट टाइप्स के मोड्स ऑफ़ हीट फ्लो पढ़ने हैं यानी कि किन किन तरीक़ों से हीट जो है फ्लो होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में जब हम किसी भी जो सब्सटेंस है उसकी उसको एक साइड से जब फ्लेम देना शुरू करते हैं तो दूसरे साइड पे भी हमें हीट फील होती है तो जो ये हीट का फ्लो है वो किस तरह से होता है उसके लिए हमने डिफरेंट uh, टाइप्स के मोड्स पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप के थ्री डिफरेंट टाइप के वेस पढ़ने हैं लाइक कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन आज हमने फर्स्ट uh, वाला पढ़ना है डेट इज कंडक्शन सो उसके लिए एस देख लेते हैं एक्सप्लेन वाई मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स एंड फ्लूड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट यूजिंग पार्टिकल मॉडल नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन बाई अप्लाइंग पार्टिकल थ्योरी इंक्लूडिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हमने देखना है कि जो सॉलिड्स हैं वो किस तरह से गुड थर्मल कंडक्टर्स हैं किस हीट के किस तरह से उनमें हीट जो है वो कंडक्ट होती है किस तरह से सॉलिड्स अलाउ करते हैं हीट को कि वो उनके थ्रू पास उनके बॉडी uh, के थ्रू uh, पास हो जाए और जो फ्लूड uh, हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के और डिफरेंट uh, टाइप्स के जो मॉड्स हैं हीट फ्लो के लाइक कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन इनके बारे में हमने पढ़ना है कि ये क्या क्या हैं और इनमें किस तरह से हीट जो है फ्लो होती है उसके लिए हमने पार्टिकल मॉडल देखना है पार्टिकल मॉडल्स के थ्रू हमने देखना है किस तरह से पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफ़र करते हैं और डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये डिफरेंट टाइप्स के मोड्स ऑफ हीट फ्लो देखने हैं सो so, आज जो हमने देखना है हीट फ्लो का मोड दैट इज कंडक्शन कंडक्शन किस तरह से होती है किस तरह से कंडक्शन में हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं सबसे पहले एक जो स्पून लें मेटल का उसको फ्लेम पे रखें वन यू होल्ड वन साइड ऑफ अ मेटल स्पून ओवर आ फ्लेम कैंडल वाइल द अदर साइड इज़ इन योर हैंड सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव क्लेक्ट अ स्पून मेटल स्पून एंड अ कैंडल और उस कैंडल का फ्लेम आपने जला लिया और उसको एक साइड जो है उसकी वो आपने कैंडल के फ्लेम पर रखनी है और दूसरी साइड जो है वो अपने हाथ में रखनी है उसको अपने हाथ से पकड़े रखना है आपने सो so, यू विल इवेंचुअली फील द हीट ऑन द साइड दैट इज इन योर हैंड सो उसको फ्लेम पे रखी रखें थोड़ी देर बाद आपको हीट फील होगी उस साइड पर जो साइड आपके हाथ में है सो आई होप आपको भी हीट फील हुई वाई डू यू फील हीट इवन थ्रो द साइड इज नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लेम सो आपको ये हीट क्यों फील हुई जबकि ये साइड जो है वो डायरेक्टली फ्लेम के साथ कनेक्टेड नहीं है दूसरी साइड जो है वो फ्लेम के साथ कनेक्टेड है जबकि ये वाली साइड जो है वो फ्लेम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ यहाँ पे आपको हीट फील हुई तो ये हीट आपको क्यों फील हुई यस yes, हीट जो है वो इस किनारे से इस किनारे में फ्लो की हीट ट्रांसफर हुई उस किनारे से जिस जो किनारा फ्लेम पे था उस किनारे से दूसरे किनारे में हीट ट्रांसफर हुई जिसकी मदद जिसकी वजह से हमें हीट फील हुई सो so, ये हीट का फ्लो किस तरह से हुआ वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हीट फ्लो करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में सो हाउ डज दिस फ्लो ऑफ हीट टेक प्लेस इन स्पून स्पून में जो हीट का फ्लो हुआ वो किस तरह से टेक प्लेस हुआ किसकी मदद से टेक प्लेस हुआ यस थ्रो पार्टिकल्स पार्टिकल्स चूँकि हम जानते हैं कि जो एवरी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है तो इस सॉलिड जो हमने जो स्पून uh, यूज़ किया वो भी पार्टिकल से मिलकर बना है तो पार्टिकल्स ने एक जगह से दूसरी जगह में हीट ट्रांसफ़र की जिसकी मदद से हमें उसके नारे पे भी हीट फील हुई जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था फ्लेम के साथ सो so, जो मोड्स ऑफ हीट फ्लो हैं वो थ्री डिफरेंट टाइप्स के हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन जो कि डिपेंड करता है कि हम आ, किस स्टेट का मैटर यूज़ कर रहे हैं वो हॉटर बॉडी और कोल्डर बॉडी जिसमें हीट का फ्लो हो रहा है वो किस स्टेट से बनी है आया कि वो सॉलिड से बनी है वो लिक्विड से बनी है या फिर गैस से बनी है सो so, ये मोड ऑफ हीट फ्लो जो है वो डिपेंड करता है कि जो बॉडी है वो किस स्टेट से बनी है आ, जो तीनों स्टेट्स हम जानते हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस उनमें से किस स्टेट पे बनी है जो आज हमने मोड ऑफ हीट फ्लो पढ़ना है डेट इज कंडक्शन सो हम जानते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उसमें पार्टिकल्स टाइटली एक दूसरे के साथ पैकड होते हैं उनमें जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है और ये भी हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं उनमें फ्लो नहीं होता आ, ना तो फ्लो होता है ना ही मूवमेंट होती है सो so, जो सॉलिड्स में पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं तो जब हम इनको हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं जब हीट इनको मिलना शुरू होती है तो क्या होता है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होता हो जाती है उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि उनको हीट की फॉर्म में थर्मल एनर्जी मिल रही होती है सो थर्मल एनर्जी की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है जिसकी मदद से पार्टिकल बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं तो जब वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं तो वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स के साथ भी टकराते हैं तो इस वजह से हीट जो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे में ट्रांसफर होती है सो so, जब हमने एक मेटल रॉड ली तो उसको हमने यहाँ पे इस किनारे पे हीट प्रोवाइड करना शुरू की फॉर एग्ज़ाम्पल तो हीट जो है वो यहाँ से दूसरे किनारे में ट्रांसफ़र हुई वो किस तरह से हुई कि जो इस किनारे पे पार्टिकल्स हैं उनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हुई उनको हीट के फॉर्म में थर्मल एनर्जी मिली उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और उनकी थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज हुई सो so, ये हाई थर्मल एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स वाइब्रेशन के दौरान जब इन लो थर्मल एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स के साथ टकराए तो उन्होंने अपनी थर्मल एनर्जी इन लो थर्मल एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर की इनके साथ शेयर की सो so, हीट जो है वो इस होटर रीजन से इस कोल्डर रीजन में ट्रांसफ़र हुई नेक्स्ट ये रीजन भी हॉटर हो गया और ये रीजन कोल्डर है सो so, नेक्स्ट होटर रीजन वाले पार्टिकल्स ने अपनी थर्मल एनर्जी इन कोल्डर रीजन वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र की अब ये भी रीजन होटर हो गया है और ये रीजन कोल्डर है सो फिर जब ये होटर रीजन वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो इस कोल्डर रीजन वाले पार्टिकल्स को भी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे सो इस तरह से पार्टिकल्स अपने नेक्स्ट पार्टिकल्स को थर्मल एनर्जी शेयर करते हैं जो कि कोल्डर होते हैं सो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में हीट इस तरह से ट्रांसफर होती है जबकि हमने इसमें देखा कि जो नोट करने वाली चीज़ है कि पार्टिकल्स जो हैं वो इस किनारे से इस किनारे में मूव नहीं किए ना ही फ्लो किए पार्टिकल्स वहीं पे हैं सिर्फ वो वाइब्रेट कर रहे हैं और थर्मल एनर्जी जो है वो शेयर हो रही है इस रीजन से इस रीजन में कोल्ड होटर रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जबकि पार्टिकल्स खुद फ्लो नहीं कर रहे सो so, कंडक्शन क्या है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट विदाउट द फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड कंडक्शन सो कंडक्शन क्या है पार्टिकल्स के फ्लो किए बिना हीट को हीट का फ्लो फ्रॉम होटर रीजन टू कोल्डर रीजन दैट इज कॉल्ड कंडक्शन हीट हॉटर uh, रीजन से कोल्डर रीजन में ट्रांसफर हुई लेकिन पार्टिकल का फ्लो नहीं हुआ सिर्फ उनकी वाइब्रेशन की मदद से ही हीट एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर हुई सो so, इसको हम कहते हैं कंडक्शन इस तरह से सॉलिड्स में हीट फ्लो होती है फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन सो वो सॉलिड्स um, जो के हीट को क्विकली फ्लो uh, करवाते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे में और हीट क्विकली उनमें से पास होती है वो सॉलिड्स uh, कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स सो कुछ सॉलिड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं लाइक like आयरन और स्टील जो है वो गुड कंडक्टर हैं हीट के और जो वुड है और प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर्स हैं हीट के वुड और प्लास्टिक में हीट जो है वो क्विकली पास आउट नहीं होती जबकि आयरन और स्टील जो है इनसे इन बने हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है हीट जो है वो क्विकली इनमें से पास थ्रू होती है सो so, आयरन और स्टील जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट के नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं माई डियर टीचर फेलोज अपनी सुपरविजन में बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाएं उसके लिए आपने जो मटेरियल लेना है दैट इज कैंडल वैक्स मेटल रॉड कोई भी आप मेटल की रॉड ले सकते हैं और एक वुडन ब्लॉक लेना है जिसमें एक ग्रुप बना हो ताकि मेटल रॉड जो है वो आसानी से उसमें फिक्स हो जाए आई होप कि आपने मटेरियल ले लिया है सो मेटल रॉड को उस वुडन ब्लॉक पे रखें और उसका जो पॉइंट ए है उसके नीचे आपने कैंडल रखनी है और जो पॉइंट बी है उस पर आपने वैक्स लगानी है वैक्स जब सॉलिडिफाई हो जाए वैक्स जब जम जाए तो आपने क्या करना है पॉइंट ए पे आपने जो कैंडल रखी उसका फ्लेम आपने ऑन करना है कैंडल को जलाना है और पॉइंट बी पे जो वैक्स लगी है आप देखेंगे कि वो वैक्स जो है मेल्ट होना शुरू हो गई आई होप कि आपने ये सब किया आपने रॉड लगा ली और उसका फ्लेम ऑन कर लिया सो आप देखें कि आपकी वैक्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हुई है या नहीं यस yes, वैक्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है सो डज हीट ऑफ द कैंडल मूव टू एंड बी क्या हीट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव हुई है यस yes, हीट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव हुई है डेट इज द होटर रीजन एंड दैट इज द कोल्डर रीजन तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से थर्मल एनर्जी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव की है सो डज द वैक्स मेल्ट आफ्टर सम टाइम क्या वैक्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है यस yes, वैक्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है क्योंकि ये रीजन भी होटल होना शुरू हो गया है यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो गई है सो तो इसलिए वैक्स भी मेल्ट होना शुरू हो गई है इफ इट डेक इट टेक्स टाइम सो अगर ऐसा हुआ है कि वैक्स मेल्ट होना शुरू हो गई है तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों है वो इसलिए क्योंकि जो रोड है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और पार्टिकल्स जो है सॉलिड्स में वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो नहीं करते इसी वजह से ही सॉलिड्स में जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो टाइम लेता है हीट फ्लो करने का जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और थर्मल एनर्जी को एक पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को शेयर करता है पार्टिकल खुद मूव करके दूसरे किनारे पे नहीं जाता जबकि वो अपने नेक्स्ट पार्टिकल को सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करता है इसलिए ही जो कंडक्शन का प्रोसेस है सॉलिड्स में वो टाइम टेकिंग होता है इसीलिए ही वैक्स को पिघलने में टाइम लग रहा है क्योंकि पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करते ना ही वो फ्लो करते हैं सिर्फ एनर्जी जो है वो शेयर करते, है। so, करते हैं लेक्चर को कंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट विदाउट द फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मेटल्स लाइक आयरन एंड स्टील आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो सो कंडक्शन क्या है द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो विदाउट द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम इज कार्ड कंडक्शन हीट uh, फ्लो करती है विदाउट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल जो हैं वो खुद से फ्लो नहीं करते सिर्फ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है डेट इज़ कंडक्शन और कुछ सॉलिड्स जो हैं वो क्विकली हीट को ट्रांसफर करते हैं और वो सॉलिड्स क्या कहलाते हैं दीज आर गुड कंडक्टर्स उनमें क्या है आयरन और स्टील जो है वो गुड कंडक्टर है हीट के नेक्स्ट इज होमवर्क रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट होम एंड ऑब्जर्व हाउ हीट फ्लो इन सॉलिड्स ये जो एक्सपेरिमेंट किया है हमने वैक्स का इसको आपने रिपीट करना है और देखना है ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से हीट फ्लो करती है सॉलिड्स में क्यों टाइम लगता है वैक्स को पिघलने में सो so अपनी ऑब्जर्वेशन को आपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना है सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट कंडक्शन How heat flow in solids. Thank you so much. Allah Hafiz.